अरे मुझसे ज्यादा पापी बैठे, अरे इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी छोटा सा एक दोष मेरे में आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी छोटा सा एक दोष मेरे में आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी दिया गया है। यही इंद्र उस गौतम ऋषि के घर उसकी पत्नी से जारी करने पहुंच गया था। क्या ये अच्छा है? चलो मेरी तो केवल एक आंख कानी है। ऐसे ऐसे कुकर्मी सभा में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं रोका? अरे बात करूं नारद की, एक रंडी के घर जाकर के पल्ला फला दिया था, उससे जारी करनी चाहिए थी। क्या यह धर्मात्मा है? और चांद को तो सभी जानते हैं, आज तक चांद का भी दाग नहीं छुटा है। अरे इनके अंदर कोई दाग नहीं है। और वेद व्यास जो गुरुओं के गुरु हैं, अरे वो तो खुद अपने नाना से पैदा है। क्या लिखा अगली बात है? पैदा
लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो सुकुंती का तो एक भी नहीं है, तीन माधुरी के हैं, दो माधुरी के हैं और तीन कुंती के हैं, और वो भी पांडु का एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुत्र उस कुंती ने मंत्रों द्वारा सभी देवताओं से लिए थे। और रही बात मेरी, तो याद करो जब राजा बलि के दरवाजे पर आप भिक्षा मांगने गए थे, उसे छलने के लिए गए थे ब्राह्मण के वेश में, तो मैंने मना किया था राजा बलि से कि ये विष्णु भगवान तुम्हें छलने के लिए आए हैं, लेकिन वो नहीं माना। जब लाख मना करने पर भी राजा बलि नहीं माने थे, तो मेहरबानों बताया जाता है कि यही दैत्य गुरु शुक्राचार्य उस सागर में जाकर के बैठ गए थे जिससे पानी निकलता था, उसकी नौक में जाकर बैठ गए थे जिससे पानी ना निकले, लेकिन विष्णु भगवान ने छल्ले के लिए एक सीख लेकर के उस सागर में डाली थी, क्योंकि शुक्राचार्य अंदर बैठे थे तो उनकी आंख फूट गई थी। क्या लिखा अगली बात में? से बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। और अंतिम कली में क्या लिखा कवि महोदय ने? अरे राजा बल को छलन गया जब तू बन के अत्याचारी, टेढ़ के अंदर बैठा था तन सी गया सभा में।